सर जी मैंने बच्ची कस्टडी के लिए आगर कोर्ट में केस लगाया था। 2016 मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। उसके बाद से ही बच्चा मेरी सास मायाबाई और पप्पू साले के पास है। दिया नहीं गया है, ना ही मेरी बातचीत उससे बच्चे से कराई जाती है, ना ही मिलने दिया जाता है। हर बार जितनी बार मुझे तारीख को बुलाया गया मैं मुझे वहाँ पहुँचा हूँ। मैंने एक भी तारीख सर मिस नहीं की। बच्चे के भविष्य की चिंता है सर मुझे। सर 1 बीघा जमीन कोई बड़ी बात नहीं, मैं आज भी करने के लिए तैयार हूँ और सक्षम भी उसके लिए। बेटे से पूछा किसके साथ रहना चाहता है, उसकी भी तो इच्छा देखना पड़ेगा। बच्चा 1.5 साल का था जब से इनके पास है, 7 साल का है। नहीं सर आप मेरी बात तो सुनिए। 1.5 साल का जब बच्चा था जब से लेकर जब आज जो ये सिखाएंगे वही तो बच्चा सीखेगा। मेरी बात कैसे मानेगा सर? बराबर है। अगर मेरे पास रहता तो मेरी बात मानता। जब मेरे पास बच्चा रहा ही नहीं तो मेरी बात कैसे मानेगा? मेरा बच्चा चाहिए मुझे तो काफी समय से परेशान हूँ सर। नमस्कार सर जी। सर जी मैंने बच्ची कस्टडी के लिए आगर कोर्ट में केस लगाया था। सर 2016 मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। उसके बाद से ही बच्चा मेरी सास मायाबाई और पप्पू काले के पास है। सर मैंने एक एफिडेविट तैयार करवाया था जिसमें हमारा दोनों पार्टी का समझौता हुआ था। 1 साल में बच्चा मेरी सुपुर्दगी में देने के लिए कहा गया था। सर मुझे 1 बीघा जमीन देने के लिए कहा गया था। सर इन्होंने मेरे केवल 8 दिन के लिए बच्चा पहुँचाया, उसके बाद से बच्चा लेके गए। मुझे बच्चा दिया नहीं गया है, ना ही मेरी बातचीत उससे बच्चे से कराई जाती है, ना ही मिलने दिया जाता है। सर मेरा जो कोर्ट में केस खारिज हुआ है वो इस बात को लेकर खारिज हुआ है कि 1 बीघा जमीन मैंने उसके नाम से नहीं की। सर वो जमीन तो मैं आज भी नाम करने के लिए तैयार हूँ। ये बच्चा मुझे अभी भी दे देता हूँ। सर काफी समय से मैं परेशान हूँ। तो आप कैसे तैयार हैं? उसके नाम से कीजिए, तैयार हैं तो सर आज ही करने के लिए तैयार हो। बोले करिए ना, पहले ये बिल्कुल समझौता हुआ था पहले। हाँ सर समझौता का पालन नहीं किया आपने, इसलिए आपको बच्चा नहीं मिला। उसमें समझौता हुआ रही है। जरा एक मिनट, आपके पास फाइल है या नहीं है? बहस करेंगे या नहीं करेंगे? जी करेंगे बहस। तैयार है? तैयार। बताइए पैराग्राफ नंबर 11 से पढ़िए ऑर्डर के। पेज नंबर 12 पे पैरा 11 है, उसको पढ़िए। आपने क्या नहीं किया उसमें लिखा हुआ है। सर मुझे केवल 1 बीघा जमीन के लिए ही बताया गया है कि उसको कम्प्लाई करना पड़ेगा ना आदेश को। चाहते हैं बिना कम्प्लाई किए बच्चा मिल जाए आपको, नहीं हो सकता। वो मैं आज भी करने के लिए तैयार हूँ। सर करके बताइए, मेरे पास कर दीजिए। पहले 1 साल के लिए मुझे 1 साल के बाद बच्चा देने के लिए रहेगा, तो वो भी मेरे पास आने का था सर, वो भी तुम दिया मुझे। सुनील की ओर से प्रस्तुत समझौता पत्र अनुसार सुनील को उसके अवयस्क पुत्र सार्थक के नाम से ग्राम पिपलिया विजय तहसील बड़ौद सिर्फ 1 बीघा जमीन करनी थी, परंतु समझौता अनुसार सुनील पुत्र सार्थक के नाम से 1 बीघा जमीन नामांतरित की हो ऐसा दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। एग्रीमेंट हुआ आपका पहले। जी सर, लेकिन इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं आप। तो ऑर्डर सही पास किया सर। तारीख पे मैं गया हूँ, सामने वाली पार्टी 1 बार भी तारीख पे नहीं चाहे। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हर बार जितनी बार मुझे तारीख पे बुलाया गया मैं मुझे वहाँ पहुँचा हूँ। मैंने 1 भी तारीख सर मिस नहीं की। बच्चे के भविष्य की चिंता है सर मुझे। सर 1 बीघा जमीन कोई बड़ी बात नहीं, मैं आज भी करने के लिए तैयार हूँ और सक्षम भी उसके लिए। नहीं, इसके अलावा आप अभी वो इंदौर में पढ़ रहा है बच्चा जी, आप उसको गांव में ले आएंगे तो क्या आप इंदौर से बेहतर सुविधा दे पाएंगे? जी दे पाऊंगा। ऐसे देंगे कहाँ से लाएंगे? स्कूल भी वहाँ पर है। मेरे जो बहन भानेज के जो बहन है उनके भानेज भी मेरे ही पास पढ़ते हैं। वही तो होल्ड किया है कि भाई अच्छी परवरिश नहीं कर सकते आप। नहीं सर मेरी बात सुनिए, परवरिश बच्चे की नहीं कर सकता। मेरी जो बहन है उनकी भानेज, उनके जो भानेज जो लड़के लड़की हैं वो मैं भानेज है, उनको मैं ही पढ़ाता हूँ। बेटे से पूछा किसके साथ रहना चाहता है, उसकी भी तो इच्छा देखना पड़ेगा। बच्चा 1.5 साल का था जब से इनके पास है, 7 साल का है। नहीं सर आप मेरी बात तो सुनिए। 1.5 साल का जब बच्चा था जब से लेकर जब आज जो ये सिखाएंगे वही तो बच्चा सीखेगा। मेरी बात कैसे मानेगा सर? बराबर है। अगर मेरे पास रहता तो मेरी बात मानता। जब मेरे पास बच्चा रहा ही नहीं तो मेरी बात कैसे मानेगा? बच्चे का हित देखना जरूरी है। तो मैं सर बच्चे का हित देखना ज्यादा रहा, इसीलिए ना। बच्चे की माँ भी है वो, माँ नहीं है वो। हाँ वो नहीं, माँ की डेट हो गई उसमें। माँ की डेट हो गई। हाँ, दादी है। नहीं ये तो दादी नहीं, ये तो नानी है। उस नानी है, मैं बीता हूँ उसका। और ये इसकी नानी माँ लग रही है उसको, जबकि मेरी दादी मतलब मेरी दादी माँ भी है, मेरे दादाजी भी है, मेरे माता पिता भी है, मेरे भाई बहन भी है। आपने मैरिज की है क्या? मेरी नहीं की मैंने, उसके लिए बच्चे के लिए मैरिज नहीं की मैंने अभी तक। मैंने बच्चे भविष्य को देखकर ही मैरिज नहीं की अभी तक। नोटिस करता है उनको आने दीजिए, उसके बाद देख। सर इनका इल्जाम ये था कि ये दूसरे आपका केस एडमिट कर रहे हैं। जी सर नोटिस करना चाहिए। मेरा बच्चा चाहिए मुझे तो मिलेगा बाद में, जब नोटिस हो जाएगा उनके वकील साहब आ जाएंगे। बिल्कुल। कौन अपीयर हो रहा है? काफी समय से परेशान हूँ सर। यहाँ पे प्लीज रोने होने की आवश्यकता नहीं है। प्रोसीजर फॉलो करना है। अभी आप नहीं देंगे बच्चा आपको जी, पर नोटिस सुनने के बाद देंगे। मेरी आदर कोर्ट में शुरू ही नहीं हुई सर। अरे आप तो समझ ही नहीं रहे ना, प्रॉब्लम यही तो है। आपके फेवर में कह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ एक क्या ऐसा नहीं है, पहले उनको भी सुनना जरूरी है। हमको आप घूमिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर गलत वन साइडेड कर दें, आपके फेवर में कर दें सर। आप घूमिए नोटिस जमा करवाइए आपके वकील साहब से करके। बिल्कुल मैं हो गया ना एक मिनट रुको आप। इसमें नंबर 1 और 2 की तरफ से देवदीप सिंह अपियर हो रहे हैं ऑलरेडी, और पावर इज फाइल्ड। कहाँ वकील साहब आपके बैठे? हाँ आपके वकील साहब कहाँ हैं? आज तो बैठे हैं ना मुझे एड्रेस वाले। क्लियर नहीं हो रहा है आज। अब इन पर्सन में देख तो रहे हैं क्या हो रहा है। लॉक कौन समझाएगा इनको? तो एक हफ्ते बाद लगा देते हैं जब मुझे समझे। हाँ ठीक है।